जय जगदानी कमाना खाना के चैनल पे मैं कामिनी खन्ना आज आपके लिए लेकर आ गई नॉर्थ इंडिया का यूपी का और एक जयपुर का टेस्ट और एक बनारस का टेस्ट सब एक साथ एक ही परवल में पनीर डालकर। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि परवल को तड़का मारते हैं पंजाबी लोग अदरक लहसुन प्याज टमाटर, और जयपुर में इसको तड़का मारते हैं कुछ इस तरह के, इसमें डाला जाता है अपना मेथी के दाने और तिल, और फिर वो अपने हिसाब से बनाते हैं उसको। और मैंने जो इसको मिक्स किया, मैंने सोचा ये परवल बड़ा बोरिंग होता है और इस बोरिंग चीज को कैसे टेस्टी बनाया जाए, तो मैंने इसमें भरने की ठानी पनीर। और पनीर को मैंने पहले तैयार करने की कोशिश की। अब आप इधर आ जाइए और देखिए कि इस पनीर में मैंने क्या क्या डाला है। ये पनीर है, इसमें मैंने ये थोड़ी सी, आप जरा दिखाइए, ये मैंने थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी डाली है, फिर इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली है, इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और इसमें डाल दिया है धनिया। और इसको धनिया डालने के बाद मैं इसको अच्छे से अपने देसी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपको मैं एक बात बता दूं कि देसी तरीके से मिक्स करना चाहिए, नहीं तो कभी मुंह में आ जाता है नमक, कभी मुंह में आ जाता है मिर्ची, और आप फिर परेशान हो जाते हैं। अब आइए और देखिए कि मैं परवल के पेट में कैसे पनीर को भर रही हूँ। मैंने परवल के छिलके उतार कर उसके बीच में जो है वो खड्डा कर दिया, खड्डा किया और उसके अंदर मैंने ये पनीर के गोल को भरना शुरू कर दिया। अब मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बनाया, एक आदमी के लिए बस हो जाएगा, मतलब अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो एक अकेला आदमी ही इतनी भाजी खा सकता है। आपको ज्यादा चाहिए होगा तो आप ज्यादा मात्रा में बनाइएगा, लेकिन फिलहाल तो ये परवल हो रहे हैं रेडी। ठूस ठूस के इसमें पनीर भरा जा रहा है और इनको टेस्टी बनाने की पूरी कोशिश है मेरी। आइए चलिए, अब एक लास्ट का परवल रह गया और ये परवल में भी मैं डाल दूं, ठूस दूं पनीर, और ये पनीर जो है इस परवल को बनाएगा टेस्टी। अब हम रेडी हो गए, हमारे पास कुकर है छोटा सा, बहुत बड़ा कुकर नहीं लेना अगर आपके पास सब्जी ज्यादा नहीं है तो। और मैंने ये गैस जला दिया और अब कुकर तैयार है अपनी सीटियां बजाने के लिए। और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, ये ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जयपुरिया टच। अब जयपुरिया टच डालने के लिए मैंने इसमें डाला थोड़ी सी हींग, हींग के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, आप इधर दिखाइए, हींग के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी जीरा, जीरा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, सौंफ डालने के बाद मैं इसमें पंजाबी टेस्ट डालूंगी, थोड़ी सी कलौंजी डाल दूंगी। कलौंजी आप मुझे दिखाइए, कलौंजी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, आपको बता दूं कलौंजी के कई सारे गुण होते हैं, कलौंजी आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कलौंजी के कितने फायदे हैं। चलिए आइए फिर हम लौटते हैं सफेद तिल की ओर, और मैंने सफेद तिल इसमें डाल दिया। अब मुझे कड़छी निकालनी बाकी रह गई थी, और दोस्तों ये तिल चटक रहे हैं, मैंने गैस को कम कर दिया और छोड़ दिए हैं परवल इनके अंदर। अब ये परवल जा रहे हैं एक एक करके इनके अंदर, और परवल भाई साहब अब मसाला डालेंगे परवल भाई साहब के ऊपर। तो परवल भाई साहब आप थोड़े पीले हो जाइए, आपकी शादी हो रही है, और अब परवल भाई साहब आप थोड़े लाल मिर्च की तरह तीखे हो जाइए, आप पे लाल मिर्च डाली जा रही ताकि आप थोड़ी सी सुंदर हो जाइए। फिर थोड़ी सी चुटकी भर गरम मसाला डाल रहे हैं ताकि परवल भाई साहब पे चटपटा टेस्ट आए। और अभी थोड़ा परवल भाई साहब को हिला दें हम ताकि जो मसाला डाला है वो जल नहीं जाए, और इसके अंदर ऊपर से भी थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये परवल भाई साहब पकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस परवल भाई साहब को हमने अच्छे से ऊपर नीचे ये सब सामग्री लपेट दी है, और अब परवल भाई साहब को कुकर में कर दिया जाएगा बंद। आप कहेंगे कि कामिनी जी इसमें पानी नहीं है, अरे भैया इसमें गैस को मैंने कम सेक पे रखा है, कम सेक पे ही रखिएगा, ज्यादा सेक पे मत रखिए, बड़े छोटा सा कुकर है ये, और फटक से सीटी बजेगी इसकी। कहते हैं ना छोटा चीज हो तो जल्दी से फटता है और बड़ा हो तो बड़ा धीरे धीरे होता है ना, तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोटा कुकर लिया है। अब ये थोड़ी देर में फटेगा, सीटी बजेगी, फटेगा नहीं।
पर बजा रहा है सीटियां और अंदर परवल भाई साहब हो रहे हैं तैयार। तो अब तैयार हैं आपके परवल भाई साहब आपके मुंह में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी शक्ल तो दिखा दूं। मैं इनको थोड़ा सा गार्निश करूंगी। आप पुदीने के पत्ते से गार्निश कर सकते हैं, आप नींबू डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इनके धनिया डालूंगी। इजी इजी कुकिंग, इजी कुकिंग सिखाती है कामिनी खन्ना। और दो मिनट में ये परवल तैयार हो गए। परवल अब बोरिंग नहीं है, परवल बड़े टेस्टी है।